Hello everyone, this is Mansi from evidyarthi.in. Let's start question number 2, exercise 3.2. So, this question mein Vaipa said the run scored in a cricket match by 11 player is as follows. So, aapko yahan pe jo numbers de rakhe, these are basically runs jo ek cricket match mein 11 players ne score kare hain. Find the mean, median, mode of this data are the same. Ab hum isme kya kya find karna hai? Mean, median and mode, तीनों find करने हैं और बताना है कि are these same, मतलब कि ये same है या अलग है, fine. So, let's start. सबसे पहले हम mean find करेंगे, so mean का formula है, sum of observation upon number of observation, ठीक है, sum of observation, यहाँ जितनी भी ऑब्जर्वेशन है दीज आर 6 प्लस 15 प्लस 120 प्लस 50 प्लस 100 प्लस 80 प्लस 10 प्लस 15 प्लस 8 प्लस 10 प्लस 15 अपॉन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन. नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन मतलब कितने हैं ये टोटल, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 11 है, सो अपॉन हो जाएगा 11. अब अगर आप इन सबको ऐड करोगे, सो लेट्स स्टार्ट, दिस इज 6 7 8 9 10 11, देन वी हैव 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29, सो दिस विल बी 9 एंड 2 कैरी, सो दिस विल बी 2 3 4 5 6 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22. So we have 22. So we have 2 and 2 in the air. So 2, 3, 4 and we have 4. So this is 429. So means we have 429 upon 11. ठीक है, अब हमें इसको डिवाइड करना है, सो 11 डिवाइडेड बाय 429 विल बी, 11 के टेबल में 42 नहीं आता, 11 के टेबल में 3 पे आएगा 33, सो दिस इज 9, देन 2 माइनस 3 नहीं कर सकते, वी कैन 12 माइनस 3 कर सकते हैं, दिस विल बी 9, सो 11 के टेबल में 99 कब आता है, 9 जा, सो द आंसर विल बी 39. ठीक है, अब हमारे पास आंसर आ गया 39, विच इज द मीन. सबसे पहले हमने मीन निकाला है, अब हमारे पास सेकेंड है, अब हमें फाइंड करना है मोड और मीडियन. सो सबसे पहले मोड फाइंड करते हैं, सो मोड आपको पता है, मोड क्या होता है, जो नंबर सबसे ज्यादा बाहर आता है, ठीक है. सो पहले तो ये जो हमें नंबर्स दे रखे हैं इसको हमें अरेंज करना पड़ेगा असेंडिंग ऑर्डर्स में, सो यहाँ पे मैं इसको अरेंज कर रही हूँ. लेट्स स्टार्ट, सबसे लोएस्ट नंबर क्या है, 6, सो 6, व्हेन वी हैव 6 पहले देखेंगे कहीं रिपीट तो नहीं हो रहा, सो वी हैव 8, सर्कल कर लेंगे इसको, व्हेन वी हैव 10, दिस इज वन टाइम एंड दिस इज द अदर टाइम, सो हम दो बार 10 लिखेंगे, ठीक है, व्हेन वी हैव 15, this is one time, two times, so we write it again and one more time, so this is three times, ठीक है, 15 के बाद हमारे पास है 50, so we'll circle this, उसके बाद हमारे पास है 80, let's circle this, then we have 100 and then we have 120, so हमने 100 भी ले लिया और 120 भी ले लिया, ठीक है. So, ये नंबर्स को मैंने जो ऊपर मेरे पास डाटा था उसको अरेंज कर लिया असेंडिंग ऑर्डर में. अब इसके बाद अगर मुझे इसमें मोड देखना है, सो मोड मतलब कि जो सबसे ज्यादा बार अकर हुआ है, जो भी ऑब्जर्वेशन इसमें से हाईएस्ट टाइम अकर होगी, दैट इज 15, यू कैन सी 15 यहाँ पे तीन बार आ रहा है, फाइन, एंड 10 भी दो बार आ रहा है लेकिन 15 तीन बार आ रहा है, सो मोड हो जाएगा 15, फाइन, सो द आंसर और द मोड ऑफ दिस डाटा इज 15. Then comes the next thing, that is a median. So, हमें
मीडियन फाइंड करना है. मीडियन क्या होता है? मिडिल नंबर. जैसे कि हमने पहले देखा था, मीडियन मतलब मिडिल नंबर. अब किस कुछ कुछ स्टूडेंट्स को दिक्कत होती है कि मिडिल नंबर कैसे पता चलेगा. जैसे यहाँ पे टोटल 11 है, ठीक है. सो हम देख सकते हैं यहाँ पे हमने 11 नंबर्स लिखे हैं. सो 1, 2, 3, 4, 5 एंड 1, 2, 3, 4, 5. दोनों साइड से अगर मैं 5, 5 छोड़ दूं तो मेरे को मिडिल नंबर मिल जाएगा. लेकिन अगर लेट सपोज आपके पास 34 नंबर्स होते, 37 नंबर्स होते, तब आप काउंट कैसे करते हो? कैसे आपको पता चलेगा कि मिडिल नंबर कौन सा है? सो सबसे पहले तो ये याद रखना है कि जितने नंबर्स दे रखे हैं, अगर वो ऑड है, डोंट डू दिस विद इवन नंबर्स. सो अगर ऑड है, ऑड मतलब ऑड नंबर्स कौन से होते हैं? 3 और देन 5, देन वी हैव 7, 9. ऐसे जो नंबर्स होते हैं ये ऑड होते हैं. तो अगर ये टोटल नंबर आपके पास पहले काउंट करोगे आप, जैसे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, कितने हैं? 11. सो 11 इज अ ऑड नंबर. सो अब अगर आपको मिडिल नंबर फाइंड करना है, सो उसका एक फॉर्मूला है n+1/2, इससे आप फाइंड कर सकते हो. लेकिन ये कहां चलेगा? जब नंबर ऑड होगा. सो n मतलब कितने हैं? 11 है प्लस 1/2, सो ये हो गया 12/2. सो अब इसको कट करेंगे तो आ गया 6. 6 का मतलब है कि सिक्स्थ नंबर, जो भी आपने अरेंज करने के बाद सिक्स्थ नंबर होगा वो आपका मीडियन है. सो 1, 2, 3, 4, 5, 6. सो सिक्स प्लेस पे कौन सा है? 15. सो मतलब मीडियन क्या हो गया? 15. सो आप ये फॉर्मूला, सिंपल सा फॉर्मूला यूज कर सकते हो, लेकिन सिर्फ तब जब आपकी नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन ऑड होगी. अगर यहाँ पे 10 होते तो आप ये यूज नहीं कर सकते. जब ये ऑड होगा, 11 हो सकता है, 13 हो सकता है, या कोई भी ऑड नंबर हो सकता है, फाइन, तब आप ये फॉर्मूला यूज कर सकते हो, ठीक है. सो आप यहाँ इस फॉर्मूले से बचा गया, सिक्स नंबर है, पता सिक्स प्लेस पे है. सो 1, 2, 3, 4, 5, 6, सिक्स प्लेस पे हमारे पास 15 है. सो मीडियन हो गया 15, फाइन. अब क्वेश्चन का जो सेकेंड पार्ट था वो था आर डी सेम. सो हमारे पास जो मीन आया है दैट इज 39, और जो मोड है वो है 15, और जो मीडियन है वो है 15. सो मोड और मीडियन तो सेम है, लेकिन मीन सेम नहीं है. सो द आंसर विल बी नो, दीज आर नॉट सेम, फाइन. सो दिस वॉज अबाउट क्वेश्चन नंबर 2. लेट्स स्टार्ट क्वेश्चन नंबर 3.